आप सभी का स्वागत है। मैं मोनिश कुमार। जैसे आप सभी को पता चल ही गया है कि बोर्ड का एग्जाम जो है एक्सटेंड कर दिया है, और मैंने आप सभी को बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम एक्सटेंड होने से जो नीट मई में होने वाला था वो भी एक्सटेंड होगा। ऑफिशियली आप सभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया बताने के लिए नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। देखिए फ्रेंड, वैसे तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर मंथ से ही बहुत बार स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार देरी होने का वजह है कि अभी तक काउंसलिंग चल रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड कि जनवरी मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं होगा। बहुत ज्यादा चांस है, 90% मैं श्योर हूं कि जनवरी मंथ में स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में अभी बाकी है। नीट 21 का एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा? तो फ्रेंड, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है फरवरी मंथ से स्टार्ट होगा। जनवरी मंथ में जो है अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो जनवरी मंथ में आप सब का मॉपअप राउंड और एक्स्ट्रा राउंड काउंसलिंग चलेगा। 15 जनवरी तक टाइम है, मतलब 15 जनवरी के पहले इसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सब को इसके बारे में अपडेट्स मिलेगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स तो बिजी है काउंसलिंग कराने में। अब स्टूडेंट जो है लास्ट राउंड तक अभी डिपेंड है, एक्स्ट्रा पे भी स्टूडेंट डिपेंड है कि मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बाद 15 जनवरी के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी एनटीए प्रॉपर नोटिस जारी करेगा इसके रिलेटेड, या एचआरडी मिनिस्टर लाइव आने के बाद अपना प्रॉपर इसके बारे में बताएंगे, डेट अनाउंस करेंगे। तो आप सभी निश्चिंत रहें, आप सभी पढ़ाई पे फोकस करें। इस मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होगा, अभी तो काउंसलिंग का ही प्रोसेस चल रहा है। मुझे आप सभी को इतना ही बताना था, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, तो अभी इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई पे फोकस करें। मैंने बहुत सारे नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, जाकर डाउनलोड करें, और भी नोट्स मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।